होटल से चेकआउट करने के बाद सुबह सुबह मैं रेडी होकर जा रही हूँ मॉल रोड। मनाली को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है और अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ मणिकरण साहिब के लिए। मनाली के मॉल रोड से ही आपको मणिकरण साहिब के लिए डायरेक्ट बस मिलती है। मणिकरण साहिब में पहुंचने के लिए दो से तीन घंटे का टाइम लगता है बाय बस। आप बाय बस जा सकते हो और अपनी प्राइवेट कैब भी बुक करके जा सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बाय बस ही जाओ, क्योंकि 200 रुपीज़ में आप वहाँ तक पहुँच जाओगे और बाई कैब आपको 3 से 4,000 रुपीज़ भी लग सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग गाइज, यहाँ पर बार्गेनिंग को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बार्गेनिंग से आप जितने प्राइसेस कम करवा सकते हो हो जाते हैं और बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको भुंतर पड़ेगा, जो कि मनाली से तकरीबन 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर पड़ता है, एंड वहाँ से मणिकरण साहिब भी तकरीबन 39 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर रह जाता है। और बाकी का रास्ता आपको बाय रोड ही क्रॉस करना पड़ेगा। बाय बस भी आप जा सकते हो, कैब बुक करके जा सकते हो, एंड आप बाइक भी हायर करके जा सकते हो। चलो अब मैं अपनी जर्नी शुरू करने जा रही हूँ मणिकरण साहिब से। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। सो मनाली को बाय बाय कहकर अब हम चल रहे हैं अपनी जर्नी में आगे। और मनाली में 3 दिन कब निकल गए गाइस पता ही नहीं लगा। प्लेस है एंड दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अगर आपने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आपको सारे लिंक्स आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अब हम 2 से 3 घंटे के लिए बस में ही बैठे रहेंगे और यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज़ इन्जॉय करते हुए अच्छा सा म्यूज़िक सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, आपको मैं एक अमेजिंग बात तो बताना ही भूल गई, जब मैंने आज बस का टिकट लिया ना तब मुझे पता लगा कि हिमाचल में जो वुमेन्स हैं और गर्ल्स हैं उनका फेयर मेंस फेयर से हाफ है, विच मीन्स अगर आप 500 रुपये एक आदमी पे कर रहा है और हमें सिर्फ 250 रुपये पे करने पड़ते हैं। और बातें करते करते हम कुल्लू के बस स्टॉप पर भी पहुंच चुके हैं, और ये बस स्टॉप बाकी बस स्टॉप से काफ़ी बड़ा है, आई मीन मनाली वाले बस स्टॉप से काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है। सो कुल्लू मनाली का मेन बस स्टैंड होने की वजह से ये काफ़ी बड़ा है एंड बहुत ही ज़्यादा हाईटेक भी बना हुआ है। मैं पहुँच चुकी हूँ कुल्लू बस स्टैंड पर, और यहाँ की बस कम से कम 15 मिनट के लिए स्टे करती है और उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। पर ये बस स्टैंड मनाली के बस स्टैंड से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से आपको मंडी, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ भी आपको जाना है हर जगह की बस यहाँ से अवेलेबल है। स्टैंड है और ये काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, तो यहाँ पर आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ की बस ले सकते हो। और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ओह माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं एक बार कैमरे पे दिखाती हूँ कि ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद बस यहाँ से निकल जाएगी, और बातें करते करते हमने 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। एग्जैक्ट 15 मिनट के हॉल्ट के बाद कुल्लू बस स्टैंड से बस निकल चुकी है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भुंतर की ओर। और गाइस आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि ये जगह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही मेडिटेटिव यहाँ का एटमॉस्फेयर है। और अगर किसी ने कहा है ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो शायद उसने इन रास्तों के बारे में ही कहा होगा, एंड आई एम टोटली अग्री विद हिम।
नाउ आई एम अबाउट टू रीच भुंतर बस स्टैंड. कुल्लू से तकरीबन 10.5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और यहाँ का बस स्टॉप काफ़ी अच्छा है. छोटा सा ही है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा बस स्टैंड है एंड छोटा सा ही मार्केट है यहाँ पर. कैमरे को घुमाते घुमाते मुझे दिखा ये छोटा सा जलेबी का स्टॉल. यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं और अंकल जी से मैंने हेलो करने को बोला तो उन्होंने फटाफट से हेलो भी कर दिया और भैया गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हैं. तो मैं बस जलेबी खाकर ही अब आगे जाऊँगी. अब भुंतर से आगे निकल चुके हैं हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मणिकरण साहिब के लिए. एंड भुंतर से मणिकरण साहिब अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर के डिस्टेंस तक रह जाता है. एंड लुक एट द व्यू गाइस, ऐसा लग रहा है आज तो मेरी लॉटरी लग गई है. और गाइस यहाँ की जो ये पार्वती नदी बह रही है और इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मेडिटेटिव है ना कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पर कम हो गया है. और इस ब्यूटीफुल सी जगह की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि इस जगह को एग्जैक्टली मणिकरण क्यों कहा गया. कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती जी के संग 1100 साल तक यहाँ पर तपस्या कर रहे थे. एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं और उनकी कान की बाली का मणि पानी में गिर गया जिसे शेषनाग जी ने अपने पास रख लिया. और शिव जी ने उस मणि को ढूँढने के लिए देवताओं को बुलाया लेकिन मणि वापस ना करने की वजह से शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तीसरी आंख खोल दी जिसकी वजह से एक शक्तिपीठ नैना देवी भी बना हुआ है. बट सारे देवताओं ने जब शेषनाग जी को मिलकर मनाया कि आप मणि वापस कर दो तो उन्होंने मणि वापस कर दी लेकिन शिवजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उन्होंने गुस्से में देखा उस जगह को और वहाँ से गर्म पानी के कुंड निकले और तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण रखा गया है. थी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो मैंने सोचा रास्ते में आपको एक कहानी भी सुना दी जाए. और अब बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मणिकर्ण साहिब. मैं पहुंच चुकी हूं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन मणिकरण साहिब पे और मुझे लग रहा है कि ये बैक एंट्रेंस है दैट इज़ वाई ये थोड़ा अजीब सा है. लेकिन अब बस यहां से पार्किंग लॉट साफ साफ दिख रहा है. ये जगह पार्किंग की है और अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे के जस्ट सामने. लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ very very high roaring. Literally you feel river is roaring and the entire valley called Parvati Valley. इस जगह को पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी है. और इस गुरुद्वारे की ऊँचाई सी सरफेस से 1760 meters है which means बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर यह गुरुद्वारा है. एंड सिखों और हिंदू दोनों ही धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है. कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपना सबसे पहली बार ध्यान लगाया था और लोगों का मार्गदर्शन किया था. लेकिन एक बार उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी लेकिन भोजन नहीं था इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर बनाने के लिए भोजन इकट्ठा करने को बोला और सामग्री वो इकट्ठा करके ले आए जो उनको लोगों ने दान में दी थी. पर उसे पकाने के लिए आग ना होने के कारण वो खाना नहीं बना सकते थे. तब इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहाँ से गर्म पानी का कुंड निकला जिसका यूज़ करके उन्होंने लंगर बनाया. और आज भी उसी गर्म पानी को यूज़ करके यहाँ पर लंगर और प्रसाद बनाया जाता है और सभी को उसी लंगर को खिलाया जाता है.
दर्शन से भी होश के धोती ने सोला, अदन से भी धोती ने सोला, गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद मैं आ गई बाहर और उसके जस्ट सामने ही लंगर हॉल है। यहाँ पर 24 आवर लंगर के द्वारा लोगों की सेवा की जाती है और लंगर का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने भी खाया था। आप नदी की आवाज़ लिटरली गुरुद्वारे के अंदर भी सुन सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जगह है ये। यहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से सेवा भी करते हैं, तो अगर आप भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं सेवा। इस पवित्र जगह का एक्सपीरियंस काफ़ी स्पिरिचुअल और अद्भुत है और कहते हैं कि कुछ दिनों तक इस कुंड के गर्म पानी से नहाने से सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और वहीं एक अलग सा एक्सपीरियंस ये भी होता है कि जहाँ एक तरफ गर्म पानी का कुंड है, वहीं दूसरी तरफ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे पानी की नदी यहाँ पर बह रही है। बहुत अलग एक्सपीरियंस है। और ये जो भाप आप देख रहे हो, यहीं मेन गर्म पानी का कुंड है, यहीं से वो भाप निकलती रहती है। और ये जगह बहुत गर्म है, आप मैट बिछा हुआ देख सकते हो कि लोग सिर्फ मैट पर ही चल रहे हैं, क्योंकि ये जगह सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्म है। और बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग है गाइस यहाँ का। अगर आप कभी नहीं आए हो तो ज़रूर यहाँ पर आओ। एंड दिस कुंड इज़ पार्वती कुंड। यहाँ पर लोग अपने मन्नत के चावल सफ़ेद पोटली में बांधकर पकाते हैं एंड वो पोटली आपको यहीं पर ही प्रसाद में मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपनी मन्नत को पूरा करवाना चाहते हैं तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर चावल पका सकते हैं। यहाँ पर पार्वती मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी है और नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं। तो मैंने शिव जी की पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं चली गई नंदी महाराज के पास, अपनी सारी विश उनको बता दी है। बहुत लंबी विश लिस्ट थी मेरी, तो मैंने बहुत सारी अपनी विशेज़ उनको बता दी है, सो दैट कि वो मेरी सारी विशेज़ शिव जी को बोलकर पूरी करवा दें। और आप देख सकते हो कि मेरी विश लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही है। भी खा लिया, बहुत मीठा था। कहते हैं कि यहाँ के पानी में जो कुछ भी मीठा बनता है उसमें ज़रूरत से आधी शुगर डालने के बाद भी वो दुगनी मीठी होती है। और आसपास छोटी मोटी शॉप्स हैं गाइस, तो अगर आप यहाँ से कड़ा वगैरह खरीदना चाहते हो तो यू कैन बाय डेफिनेटली। एट दिस मोमेंट आई फेल्ट रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे एक ही दिन में दो दो बार बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। और मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ बहुत खुशी के साथ। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी है तो डोंट फर्गेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नया व्लॉग फ्राइडे को आएगा, सो स्टे कनेक्टेड। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।